हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ खड़ी सलवार, जिसे स्ट्रेट सलवार कहते हैं, उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। इस ये हमारे ब्लैक कलर का कैम्ब्रिक कॉटन का कपड़ा है। इसको मैंने धो के श्रिंक कर लिया है और हमारा नाप है, मेजरमेंट है हिप 38, लेंथ 42, मोरी 6 इंच। अगर आप लोगों को मेरी यह एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई शर्मा बुटीक चैनल। अब मैं आपके साथ इसको प्रेस करके कटिंग शेयर करती हूँ। ये मेरा 2.25 मीटर कपड़ा है। अब मैं पहले इस कपड़े को लंबाई की साइड से ऐसे फोल्ड कर लूँगी। लंबाई की साइड से फोल्ड करने से हमारे 2 फोल्ड हो गए हैं और इस कपड़े की हम विड्थ देखेंगे कितनी है, तो जिसको पन्ना कहते हैं, अर्ज भी कहते हैं, फोल्ड में इसका अर्ज 43 है। अब हम लंबाई की साइड से हमने 1 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको, ये हमारी लंबाई है जो कन्निया है और ये हमारा बन साइड है और ये हमारी खुली साइड है। पहले हमने लंबाई की साइड से फोल्ड किया था, अब हम इसको चौड़ाई की साइड, जिसे हम पना या अर्ज कहते हैं, उसकी साइड से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम कपड़े को ऐसे बिछा लेंगे। ऐसे कपड़ा बिछाने के बाद फिर हम इस कपड़े की जो बल वगैरह है उसको अच्छी तरह से निकाल देंगे और कटिंग करने से पहले अब हम इसके मेजरमेंट, लंबाई 42 है तो हम 42 में प्लस 3 करेंगे तो हमारा आया इसमें 45 आया है, इसमें से माइनस 8 कर देंगे। हमारे जो हम लंबाई लेंगे वो 37 पर लेंगे। जो ये हमारा 8 इंच है, ये हमारा बेल्ट है, इसमें हम ये बेल्ट निकाल देंगे। जो ये हमारी 8 इंच की बेल्ट है, इसमें हमने अपना मार्जिन भी साथ में 2 इंच ऐड कर लिया है और हमारी 6 इंच बेल्ट तैयार होगी और प्लस 2 इंच मार्जिन की कटिंग करेंगे, तो इसलिए हमारा ये 8 इंच है, पर हमारी बेल्ट 6 इंच तैयार होगी। हमने 8 इंच बेल्ट का निकाल दिया है। बेल्ट को निकालने के बाद हमारे पास 37 बचा था। अब हम 37 को ऐसे नापेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम स्केल से इसको सीधा कर लेंगे। फिर हम अपने सलवार का घेर देखेंगे। हमारा घेर इसमें 20.5 20.5 आया है। अगर आपको इससे घेर ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे हमें एक मियानी लगानी पड़ेगी। अगर आपको घेर इतना ही चाहिए तो हमें मियानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आसन को लेंगे। हमारा आसन 15 इंच तैयार है। इसमें से जो हमने बेल्ट का लिया था, हम वो वाला 6 इंच माइनस कर देंगे तो 15 में से 6 गए हमारे, तो 9 बचे। 9 में हम ऊपर और नीचे सलवार के सिलाई करने के लिए मार्जिन लेंगे 10 इंच, तो हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे और आसन के बिल्कुल अपोजिट साइड, इधर नीचे जहाँ हमारी मोरी आएगी, तो हमारी मोरी 6 इंच तैयार है। इसमें 1.5 इंच हम मार्जिन सिलाई का लेंगे। फिर जो ये 10 इंच का आसन का निशान लगाया है, यहाँ से इंची टेप ऐसे बीच में रख के एक निशान लगा देंगे और स्केल से निशान लगाएंगे। जो ये निशान लगाए हैं इन्हीं पर कटिंग कर देंगे, पर
मैं जो ये कपड़ा बचा है इसके मैं यहाँ पे म्यानी डालूँगी घेर बड़ा करने के लिए। तो मैं 10 इंच पे कटिंग ना करके मैं यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाऊंगी। 16 इंच के निशान को जो ये हमारा मोहरी का मार्जिन के साथ निशान लगाया था इसको पहले हम इंची टेप से ऐसे नाप लेंगे, सेंटर में एक लगाएंगे, फिर स्केल से स्ट्रेट लाइन, तिरछी लाइन, स्ट्रेट लाइन ही तिरछी लाइन ऐसे खींच देंगे। फिर मैं अब इस पे कटिंग करूँगी। कटिंग सिंपल जैसे हमने ये निशान लगाए थे वैसे ही हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद जो हमारा ये साइड से कपड़ा निकला था वो 4 तहों में निकला था, इन 4 तहों को हम ऐसे बराबर कर लेंगे। ये हमारी कन्नी है, इस कन्नी को जो हमने 16 इंच आसन का निशान लगाया था उसके ऊपर 1 इंच तक ओवरलैप करके ऐसे रख देंगे। ओवरलैप रखने के बाद इसको हम पिनअप कर देंगे कि जिससे ये हमारा कपड़ा हिले ना। पिनअप करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि हमारा, अब हमने यहाँ पे 10 इंच का आसन लगाना है तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा यहाँ पे 10 इंच का आसन कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा 10 इंच का आसन यहाँ पे है, लगा देंगे। फिर स्केल से लाइन खींच लेंगे। अब आप ये देखिएगा कि जिस टाइम हम ये म्यानी जोड़ेंगे तो ये वाला हमारा बिल्कुल बराबर आना चाहिए। और इसको जो ये हमारा निशान है जो हमारी और ये पहले तिरछी काट पड़ी हुई थी इसके साथ मिला देंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। इस तरह ये हमारे आसन की कटिंग हो गई। अब हम ये देखेंगे, पहले हमारा 20½ आसन आया था और घेर आया था, अब हमारा कितना घेर हो गया है। ये देखिए पहले 20½ था घेर, अब इसको म्यानी डालने से 27 हो गया है। हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। हमारी बेल्ट हमने जो 8 इंच का बेल्ट के लिए कपड़ा निकाला था वो ये हमारा 8 इंच का बेल्ट का कपड़ा है। अब हमारी जो कमर है, हिप 38 है, उसमें हम 6 इंच प्लस करेंगे तो हमारी हिप हो जाएगी 44। हिप का हाफ 22 हुआ क्योंकि हमने ये कपड़ा 2 लेयर में लिया है तो इसलिए 44 का हाफ करना है, क्योंकि ये दोनों ऐसे अगर सिंगल खोलेंगे तो 44 हो जाएगा। तो ऐसे खोल के इसको करेंगे तो ये हमारा 22 कपड़ा चाहिए। अब हम कपड़े को देखेंगे कि 22 है हमारा, ये 21 आ रहा है इसीलिए हमारा 1 इंच का पड़ रहा है, इसलिए अब हम जोड़ डालेंगे। इस जोड़ को जो ये वाला कपड़ा है इसके ऊपर ओवरलैप करके रखेंगे। ऐसे कम से कम 1 इंच का ओवरलैप चाहिए। फिर इसको ऐसे हम नाप के देखेंगे तो हमारा 22 हो गया है। अब हमारे ये कपड़ा पूरा हो गया है और हमारी बेल्ट, इसको जॉइंट को सिल के बेल्ट को तैयार करेंगे। बेल्ट और सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है।